नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज फिर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, जहां बड़े बड़े दल अपने पत्ते खोलने में संकोच कर रहे हैं या विरोधियों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अपना दल कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल गुट, जिसको कि अपना दल कमेरावादी कहा जाता है, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह कुशवाहा ने कहा कि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, केवल 7 सीटें हैं जिनका नाम आज अनाउंस किया गया है। वो आगे आप सुनिएगा, क्योंकि इनके साथ आज मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह पटेल। उन्होंने कहा प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी ही होगी, लेकिन 7 सीटें हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में जो दल आए हैं, उसमें से अपना दल कमेरावादी एक है। और इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 दर्जन सीटें हैं जो सपा के गठबंधन में इनके खाते में गई हैं, लेकिन आज 7 सीटें ऐसी हैं जिनका नाम घोषित कर दिया गया है। आगामी कुछ दिनों के अंदर सभी प्रत्याशियों की सूची और जितनी भी सीटें हमारे हिस्से में आएंगी, प्रत्याशी सहित हम लोग घोषित कर देंगे। प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश, जातिगत जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के, उत्तर प्रदेश के पूरे किसान, 3 काले कृषि कानून जो बनाया गया था उसको लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान जो नौकरियों में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य जो नौकरियों में भर्ती हो रही, उसमें जिस तरह से आरक्षण की अनदेखी हो रही है, उसको लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान आक्रोशित है। प्रदेश की लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कई दलों का गठबंधन हुआ है। उन्हीं गठबंधन घटक दलों में से एक हम लोग हैं, अपना दल कमेरावादी। सीटों को के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सीटें चुनाव लड़ेंगे, तो आज मैं प्रथम सूची लेकर के आया हूँ जिन जिन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। सीटों को तय करने के लिए जो क्राइटेरिया रहा है वो केवल जीतने की स्थिति रही है कि आप कहाँ कहाँ से जीत सकते हैं, तो लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी आज प्रथम सूची में मैं 7 सीटों का जो तय कर लिया गया है उसको मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो ये वाराणसी जनपद में रोहनिया एवं पिंडरा, जौनपुर के मड़ियाहू सीट, मिर्ज़ापुर के मड़िहान, सोनभद्र की घुरावल, प्रतापगढ़ की सदर सीट प्रतापगढ़ सदर, और प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा सीट शामिल है। इसमें ये 7 सीटें हम लोग तय